हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वर्चुअस। एसबीआई क्लर्क मेंस 2018 का सेकंड शिफ्ट का एग्जाम भी और हो चुका है। बच्चों के रिव्यूज आ गए हैं और उन्हीं के बेस पे एनालिसिस तैयार किया जो आपके सामने है स्क्रीन पे। आप देखिए, सबसे पहले अगर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का आपने देखे तो ओवरऑल लेवल मॉडरेट टू डिफिकल्ट है। थोड़े चेंजेस आए हैं पहले वाले शिफ्ट में और इस शिफ्ट में। फर्स्ट शिफ्ट में आपने देखा कि डीआई के टोटल 27 क्वेश्चंस थे, 6 डीआई आई थी, इसमें 4 डीआई है, 20 क्वेश्चंस है। बट लेवल वाइज फर्स्ट शिफ्ट से भी मोर डिफिकल्ट एंड मोर कैलकुलेटिव है। अप्रोक्सीमेशन के 5 क्वेश्चन फर्स्ट में भी थे, इसमें भी थे, और वहां भी जो लेवल था मोर और लेस वही था, मॉडरेट टू डिफिकल्ट। क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 कंपैरिजन के क्वेश्चन फर्स्ट में भी थे, इसमें भी हैं, लेवल उनका भी मॉडरेट था। मिसिंग सीरीज आई है इसमें, जो इसमें नहीं आई उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के क्वेश्चन आए थे, बट इसमें मिसिंग सीरीज के क्वेश्चन आए हैं 5, वो डुएबल थे, मॉडरेट लेवल के थे। मिसलेनियस से जो अर्थमेटिक प्रॉब्लम्स हैं वो इसमें 15 आई हैं, बट लेवल उनका डिफिकल्ट था, लेंथी थे क्वेश्चन। जो डीआई आए हैं उनमें एक कैसलेट डीआई है, एक मिसिंग डीआई है टेबलर फॉर्म में, एक पाई चार्ट की फॉर्म में था, एक बार ग्राफ टेबल था। ओवरऑल लेवल मॉडरेट टू डिफिकल्ट। शिफ्ट 1 भी मॉडरेट टू डिफिकल्टी था। ओवरऑल देखें तो कुछ न कुछ फर्स्ट शिफ्ट से भी ये डिफिकल्ट की तरफ है। इंग्लिश लैंग्वेज का अगर आप देखें तो ओवरऑल लेवल इसका मॉडरेट है, और मोर और लेस इसका लेवल वही है जो शिफ्ट 1 का लेवल था। अगर इसको अपने क्वेश्चन वाइज देखें तो आरसी से आपके 14 क्वेश्चन से मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल था। वोकेबलरी बेस्ड क्वेश्चन आए इसमें, उसमें डायरेक्ट वोकेबलरी के क्वेश्चन नहीं थे, इसमें वोकेबलरी बेस्ड क्वेश्चन आए हैं 5, मॉडरेट लेवल था। ग्रामर बेस्ड फिलर्स भी आए हैं 4, मॉडरेट टू डिफिकल्ट। सेंटेंस रीअरेंजमेंट का एक क्वेश्चन था, मॉडरेट लेवल का था। और इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन ऑन आइडेंटिफाइंग करेक्ट एडजेक्टिव के 2 क्वेश्चन थे, मॉडरेट टू डिफिकल्ट। इडम्स एंड फ्रेजेस के 5 क्वेश्चन मॉडरेट। पैराग्राफ कंप्लीशन के 5 मॉडरेट। वर्ड रिप्लेसमेंट के 4 मॉडरेट टू डिफिकल्ट। ओवरऑल लेवल मॉडरेट था। फर्स्ट शिफ्ट में भी मॉडरेट लेवल था, इसमें भी मॉडरेट लेवल था। रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड, रीजनिंग शिफ्ट 1 में भी डिफिकल्ट थी और रीजनिंग शिफ्ट 2 में 1 से भी कुछ ना कुछ डिफिकल्ट की तरफ थी। इसके अंदर अगर आप क्वेश्चंस का देखें तो सिटिंग अरेंजमेंट एंड पजल्स के 33 क्वेश्चन थे, लेवल उनका डिफिकल्ट था, जिसमें आपके लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट, सिंबल्स एंड क्लॉक बेस्ड पजल थे, सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट थे, बॉक्स बेस्ड पजल था, मिक्स पजल ओड इवन पैटर्न में थी, मिक्स पजल कोडिंग डिकोडिंग बेस्ड थी, रेंडम अरेंजमेंट पजल थी, फ्लोर बेस्ड पजल थी। कोडिंग डिकोडिंग के न्यू पैटर्न पे 5 क्वेश्चन आए, वो भी डिफिकल्ट थे। कोडिंग डिकोडिंग जो सिंबल्स ओनली के जो थे 5 क्वेश्चन, वो मॉडरेट लेवल ड्यूएबल थे। अल्फाबेट्स का एक क्वेश्चन था, वो भी मॉडरेट लेवल का था, ड्यूएबल था। लॉजिकल रीजनिंग से 6 क्वेश्चन थे, वो मॉडरेट टू डिफिकल्ट थे। ओवरऑल लेवल डिफिकल्ट था। हाँ, एक चीज मैं इसमें आपको और बताना चाहूंगा कि कंप्यूटर से नहीं फर्स्ट शिफ्ट में कोई क्वेश्चन आया, नहीं सेकेंड शिफ्ट में आया। जनरल अवेयरनेस का मॉडरेट लेवल था, और शिफ्ट 1 में भी जनरल अवेयरनेस का मॉडरेट लेवल था, वही सिस्टम 50 क्वेश्चन 35 मिनट। और इसमें भी वही चीज देखने को मिली कि ज्यादा क्वेश्चन करंट अफेयर्स से थे, और करंट अफेयर्स थी मई जून एंड जुलाई मंथ की। 8-10 क्वेश्चन आपके बैंकिंग और फाइनेंशियल अवेयरनेस से थे, और 4-5 क्वेश्चन स्टैटिक जनरल अवेयरनेस। तो मोर और लेस आप अगर इसका जनरल अवेयरनेस का देखें तो लेवल भी वही था और टाइप भी वही था। उसमें भी प्रीवियस 3 मंथ्स मई जून एंड जुलाई मंथ्स के जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन सबसे ज्यादा थे, और यही 8-10 क्वेश्चन बैंकिंग और फाइनेंशियल अवेयरनेस से थे, और 4-5 क्वेश्चन स्टैटिक अवेयरनेस के थे। वही पैटर्न इसमें भी रहा है। ओवरऑल अगर अपने देखें तो मॉडरेट टू डिफिकल्ट ही मानो इस एग्जाम को भी, शिफ्ट 2 को भी। एंड जो भी बच्चे अराउंड 110 to 112-113 तक जो अटेम्प्ट करे किया है, जिन बच्चों ने भी जनरल कैटेगरी के बच्चों ने विद ठीक ठाक एक्यूरेसी, तो बहुत अच्छा अटेम्प्ट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, हैव ए नाइस।